महोदय भी प्रज्वलित करेंगे। चैंबर अध्यक्ष जितेंद्र बलूटा जी, महामंत्री लालचंद गुरवानी जी, कोषाध्यक्ष प्रकाश अग्रवाल जी, हमारे चेयरमैन पूरन लाल अग्रवाल जी, अमर भावना जी, कृपया दीप प्रज्वलन में मुख्यमंत्री जी के साथ रहे। आदरणीय रामगोपाल अग्रवाल जी भी हमारे बीच उपस्थित हुए हैं, हम आदि अभिनंदन करते हैं। सर्वप्रथम हमारा चैंबर के अध्यक्ष भाई जितेंद्र बलूटा जी, लालचंद गुलवानी जी, भाई प्रकाश अग्रवाल जी, ललित जयसिंह जी, योगेश अग्रवाल जी, बहुत देर तक स्वागत कराए। स्वागत कैसी हो, हम लोग अपने पार्टी कार्यक्रम देखते हैं, उससे ज्यादा होल आज दिख रहा था, मतलब मैं ठीक से किसी से मिल भी नहीं पाया, सिर्फ ही चक्कर पहुंच है। अभी तक समझता था मैं कि सब यूथ लोगों में ही ज्यादा उसका क्रेज है, लेकिन व्यापारियों में उससे ज्यादा क्रेज है, मैं पहली बार देख रहा हूँ। अरविंद भाई, अरविंद जैन जी, राधा किसान सुंदरानी जी, रमेश गांधी जी, भाई राजेंद्र जग्गी जी, राजेश वासवानी जी, रमेश उलहरणी जी, शुक्ला जी, गाड़ीवाल जी, भाई शैलेश जितिन त्रिवेदी जी, किरण भाई नायक जी, आदरणीय भाई कन्हैया अग्रवाल जी, आदरणीय अरुण अग्रवाल जी, भाई मनमोहन अग्रवाल जी, सभी उपस्थित दैयों सज्जनों और साथीगण पत्रकार मित्रों, ये प्रथम चरण का जो विधानसभा है वो समाप्त हुआ है, तो दो दिन के कार्यक्रम बोझ आज ही आ पड़ा, और जो भाषण मुझे कल देना था वो आज देना पड़ा, और उसी प्रकार से एक विधेयक में संशोधन जिसमें मतदान भी हुआ, इसलिए विधानसभा छोड़ना मेरे लिए मुश्किल था, और उसके कारण से निश्चित रूप से आप लोगों को असुविधा हुई, उसके लिए मैं पुनः आप सबसे क्षमा चाहता हूँ। पिछले दिनों चुनाव के पहले आदरणीय पुनिया जी, सत्तो भैया और सब साथी लोग व्यापारियों से मिलने का कार्यक्रम रखा गया था, और उस कार्यक्रम में कुछ आशंकाएं भी व्यक्त की गई थी। 2000 से 2003 के बीच में जो कार्यकाल है उसे सब स्मरण कर रहे थे, और जो पीठ में लाठी की मार पड़ी थी उसे आज भी याद कर रहे थे। तो किसी किसी घटना की सजा एक ही बार दी जाती है, आप लोगों ने तीन तीन बार दे दिया, इससे और क्या सजा हो सकती, और फिर आप लोगों ने महसूस किया कि नहीं, अब वक्त बदलाव का है और इसमें बदल के हम लोगों को चलना चाहिए। निश्चित रूप से आप लोगों ने इस कार्यकाल में जो केंद्रीय सरकार है उसके, चाहे वो नोटबंदी हो, जीएसटी हो,